नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका इस चैनल हिम्मत अकबर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए इंडियन आर्मी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो इंडियन आर्मी की जो ऑफिसर रैंक पर भर्ती होगी फीमेल कैंडिडेट की, वो बहुत जल्द उसकी नोटिफिकेशन आ गई। तो नोटिफिकेशन आज जारी कर दी गई है। नोटिफिकेशन में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। उससे पहले आपको बता दें कि इसमें सिर्फ फीमेल ही अप्लाई कर सकती है, मेंस की जो गर्ल्स है वो ही आप अप्लाई कर सकती है, बाकी अप्लाई इसके लिए नहीं कर पाएगी। तो 100 पोस्ट ये भरी जाएंगे इसमें जनरल ड्यूटी की, और 25 पिछले काली नोटिफिकेशन जारी की थी। 25 से आप 8 जून तक अप्लाई कर सकती हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकती है। ऑफिसर रैंक की ये पोस्ट होगी और जनरल ड्यूटी की ये पोस्ट इसमें बताई हुई है, ठीक है। आप जो इसके सेंटर हो गए अम्बाला, या जो ये रिक्रूटमेंट रैली जो आपकी होगी है अम्बाला, लखनऊ, जबलपुर, बेंगलोर और शिलोंग में, ठीक है। तो हिमाचल, जम्मू कश्मीर वगैरह वाले जो भी है वो सारी जो उनकी होगी अम्बाला साइड में, ठीक है। और कैंडिडेट भी अलाउड है, तो वेन्यू बेस्ड ऑन देयर होम डिस्ट्रिक्ट इसमें बताया हो, तो बाकी सब कुछ आप पढ़ सकते हैं, एजुकेटेड है आप। और जो सीरियल नंबर 2 है इसमें बताया हुआ है इसके लिए क्या चाहिए। लड़कियों की बात कर रहे हैं हम, वुमेन मिलिट्री फोर्स लिखा हुआ, पढ़ लेना ध्यान से। 17.5 से 21 साल अगर आपकी उम्र है तो फिर आप अप्लाई कर सकती है इसके लिए। एज आपके अगर डेट ऑफ बर्थ में बताएं तो 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 2002 के बीच, अगर 1 अप्रैल, तो फिर आप अप्लाई कर सकती है। वेट 142 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, सॉरी हाइट आपकी 142 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो वेट है आपका हाइट के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज मैट्रिक, 10th आपकी होनी चाहिए, 45% मार्क्स आपके होने चाहिए, और 33 नंबर आपके हर सब्जेक्ट में होने चाहिए। जैसे हिंदी में 33 नंबर है 100 में से, तो फिर 33% वो माने जाएंगे, ठीक। इस प्रकार से ये सब कुछ होगा, और उसके बाद जो होगा वो ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको बताए हुए हैं। और जो क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या क्या चाहिए इसमें पूरी कार्ड लिस्ट, एडमिट कार्ड कब होगा, पूरी जानकारी इसमें दी हुई है। आप जो हार्डनेस वाले केस होते हैं उनके लिए भी इसमें बताया हुआ है, उनके लिए एज जो है 30 साल तक बताई हुई है, 17.5 से 30 साल तक वो अप्लाई कर सकती हैं लड़कियाँ। तो 1600 मीटर आपकी रेस होगी इसमें, ठीक है। और आप सुनकर हैरान भी होगी बहुत सी लड़कियां, तो कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो बॉयज़ के लिए जो जब भर्ती होती है बॉयज़ की, तो उसमें उनके लिए टाइम होता है 6.5 मिनट, ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए। तो अब जो आपको क्वालिफाई करनी है 7.5 मिनट 30 सेकेंड 8 मिनट टोटल टाइम होगा आपके लिए। और उसके बाद जो लॉन्ग जंप है, ये लॉन्ग जंप जो आप सिर्फ नीड है क्वालिफाई करने की, मतलब सिर्फ आवश्यक है ये क्वालिफाई करना। और उसके बाद रिमार्क्स जो है इसमें आपको पूरी जानकारी दी हुई है कि क्या क्या होता है, किस प्रकार से होता है। रिलैक्सेशन जो एक्स सर्विस मैन है या फिर जो सर्विस मैन है उनके लिए, डॉटर ऑफ सर्विस मैन, इनके लिए क्या क्या है। तो हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट होगी, और जो अडोप्ट वाले डॉटर है आपके फादर, फिर चाहे वो मिलिट्री में या वर्क कर रहे उसमें, या बोर में शहीद हो चुके हैं या जो भी है, तो इसके लिए आपको 2 सेंटीमीटर छूट मिलेगी। या रिटायर है या आरएनएस का केस है कोई, तो 2 सेंटीमीटर छूट इसमें मिलेगी। वेट में भी 2 केजी की छूट इसमें मिलेगी। मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको बता दें, बहुत ही इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं हम, वो आपको बताना भी चाहेंगे और नहीं भी बताना चाहेंगे। तो मेडिकल स्टैंडर्ड की फिटनेस क्या क्या होगा इसमें, वो पूरा आपकी आप खुद पढ़ लीजिएगा गर्ल्स के लिए। जेंडर के लिए क्या क्या आएगा, जेंडर इसमें होगा एनी कैंडिडेट फॉन्ड हैवे, तो पूरा इसको आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद प्रेगनेंसी के बारे में भी इसमें बताया हुआ, अगर कोई प्रेगनेंट है तो वो फिर अप्लाई नहीं कर सकती है, और अनमैरिड है या मैरिड, तो उसमें पूरी जो जानकारी वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ठीक है। और जो भी है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, इसलिए हम आपको कुछ नहीं बताना चाहेंगे इसके बारे में। जो ऐप की स्क्रीन पर एक बार हम आपको दिखा देते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। और फिटनेस, जेंडर, प्रेगनेंसी, ये पूरा इसको आप पढ़ लेना। और जो रिटन एग्ज़ाम होता है आपका सेम रहेगा उसी प्रकार से जैसे होता है अभी तक। नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी इसमें बताया हुआ है, और पूरी इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बताई हुई है। आप NCC अगर सर्टिफिकेट आपके पास, तो एग्जेम्प्टेड बताया हुआ आपका जो रिटन है वो नहीं होगा NCC का, या जो कर्णमूलक अनुकंपा आधार पर नियुक्ति पाएंगे इसमें या अप्लाई कर रहे हैं,
उनके लिए 20 मार्क्स इस मेरिट रिटर्न के मिल जाएगी उनको, जिनके फादर या जो भी था आर्मी भी थे, हार्डनेस का अगर केस है तो 20 नंबर आपको मिल जाएंगे। एनसीसी का जिनके पास ए सर्टिफिकेट है उनको 5 नंबर मिलेगा, और जिनके पास बी सर्टिफिकेट है उनको 10 नंबर मिल जाएंगे। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको बता रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया हुआ है। तो बाकी जो भर्ती होती है आपकी उसी प्रकार से होगी, जो मेन बातें थी मैंने आपको बता दिया कि कब तक आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। तो 25 अप्रैल मतलब पिछले कल से ये भर्ती शुरू हो चुकी है भरने की। 8 जून 2019 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो अभी 1 से 1.5 महीने का आपके पास टाइम है, ठीक है। और क्या क्या चाहिए आपके लिए, फ़ोन नंबर आपका होना चाहिए, जीमेल आईडी या ईमेल आईडी जो भी आपकी वो आपको बना लीजिएगा। अगर नहीं है तो फिर इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर अप्लाई आप कर सकते हैं जो मर्जी हो, जहाँ से भी आप हो आप अप्लाई कर सकते हैं इंडियन आर्मी की इस वैकेंसी के लिए। अम्बाला जो आपकी रैली होगी ये होगी कंडक्टेड बताए हुए लखनऊ, अम्बाला, जबलपुर, बेंगलोर एंड शिलोंग। और कैंडिडेट विल बी अलाउड वेन्यू बेस्ड इन देयर होम डिस्ट्रिक्ट, इसमें बताया हुआ है आपको। फाइनल लोकेशन एंड डेट ऑफ द रिक्रूटमेंट रैली विल बी गिवन ऑन एडमिट कार्ड, तो जो आपकी रैली होगी जहाँ आपकी भर्ती होगी उसकी जानकारी आपके एडमिट कार्ड में आपको दी जाएगी। और जब आप अप्लाई करोगे मैं आपको शाम तक बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में ही पूरी जानकारी आपको दे दूंगा कि कौन कौन अप्लाई कर सकती है, क्योंकि अभी जो नोटिफिकेशन आई ऑफिशियली इसी में बता चुके हैं। फिर भी अगर आपको डाउटफुल लगता है कुछ तो अगली वीडियो हम नहीं बनाएंगे इसके लिए, क्योंकि जो जानकारी इसी में आपको दे दी गई हमने। वीडियो लिस्ट जो है इसको आप क्लिक करिएगा, कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि क्या क्या आपने करना है, क्या क्या आपने नहीं करना है, ठीक। तो आज के लिए इतने, नमस्कार, दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इंडियन आर्मी की भर्ती हो या कोई भी जॉब की इन्फॉर्मेशन हो हम आपको सबसे पहले देते हैं। आज के लिए इतने, नमस्कार।